नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हमारे सामने महिंद्रा की बहुत ही शानदार, बहुत ही फेमस कॉमर्शियल व्हीकल महिंद्रा बोलेरो पिकअप। ये आप BS6 देख रहे हैं, 1.3 टन। इसमें आपको टोटल 5 वेरिएंट मिलते हैं। इसकी सारी डिटेल, सारी इन्फॉर्मेशन, इंटीरियर, एक्सटीरियर, इंजन, पावर, पिकअप, BS6 में क्या बदलाव किए गए हैं, वो सारी डिटेल्स बताने वाले हैं ऑन रोड प्राइस के साथ। तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं वेरिएंट की। तो वेरिएंट में आपको 1.3 टन में 3 वेरिएंट मिलते हैं। 1.3 टन छोटा बोनट, फिर बड़ा बोनट, उसके बाद आता है फिर पावर स्टीयरिंग विदाउट पावर स्टीयरिंग। तो टोटल इसमें 4 वेरिएंट मिलते हैं। और 1.7 में भी आपको ऐसे ही 4 वेरिएंट मिल जाते हैं, जैसे कि 1.7 टन CBC, 1.7 टन पिकअप, फिर 1.7 टन 4x4, फिर 1.7 टन कंटेनर। यहाँ पे अगर इसके इंजन पावर की बात की जाए तो इसमें आपको 2.5 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर टर्बो चार्ज डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजन मिलता है, जो कि BS6 है। पहले से काफ़ी स्मूथ और काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों बात करें इसके बदलाव की, चेंजेस यहाँ पे हैं, क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। इसके इंटीरियर में कुछ खास चेंजेस नहीं किए गए हैं, डैशबोर्ड वगैरह चेंज किए गए, वो आपको मैं अभी दिखाता हूँ। और इसके इंजन में भी काफ़ी सारे छोटे बड़े बदलाव किए गए, वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। उससे पहले मैं आपको वारंटी और प्राइस वगैरह बता देता हूँ। तो इसमें आपको 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है फॉर 3 ईयर, और इसकी प्राइस पड़ती है आपको 8,35,000 BS6 की 1.3 टन बोलेरो पिकअप की। इसकी जो प्राइस है सब स्टेट में अलग अलग हो सकती है। आप अधिक जानकारी के लिए नियरेस्ट शोरूम विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, महिंद्रा बोलेरो पिकअप में आपको हर वेरिएंट में 4,00,000 का बायबैक मिलता है, प्लस एक एक्सीडेंट जीवन बीमा भी मिलता है। हर एक वेरिएंट में आप करवा सकते हैं और ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नियरेस्ट शोरूम भी अपने विजिट कर सकते हैं। करें दोस्तों अगर इसके रियर प्रोफाइल लुक की, तो इसमें आपको चेंजेस यहाँ पे नहीं देखने को मिलेंगे, और स्टेरियर में भी आपको चेंजेस नहीं मिलेंगे। यहाँ पे सेम टू सेम आपको मिलेगा। यहाँ पे इसकी टेल लाइट आप देख रहे हैं, जो कि बिल्कुल सेम है, कोई यहाँ पे बदलाव नहीं किए गए हैं। ये इसकी नंबर प्लेट है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्पेयर व्हील टायर्स देखने को मिल जाएंगे आपको, 15 इंच के स्टील व्हील्स। और यहाँ से लॉक अनलॉक होती है इसकी ट्रॉली, काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी मजबूत है। आप इसे बनवा भी सकते हैं, तकरीबन 65,000 से 70,000 रुपये इसमें खर्चे आ जाते हैं। और इसे कंटेनर में भी आप बनवा सकते हैं, या फिर जैसे भी आप इस अपने हिसाब से बनवाना चाहते हैं बनवा सकते हैं। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसकी टाली होती है, काफ़ी मजबूत इसके एंगल में दिया गया है। इसके नीचे से और साइड से काफ़ी सारे सपोर्ट दिए गए हैं। और इस साइड फ्यूल टैंक है, 57 लीटर के फ्यूल टैंक है, यहाँ से डीजल भरवाने के लिए। काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसकी टाली दी गई है। चलते हैं इसके इंटीरियर में, अभी दिखाते हैं आपको क्या क्या इसके अंदर में आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। तो ये इसका इंटीरियर डोर, डुअल टोन में आपको दिया गया है, जो आपको 1.7 मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इसका विंडो को ग्लास डाउन हो कर, ये लॉक अनलॉक, ये हैंडल्स, यहाँ पे आर्मर्स भी दिया गया है, जो कि पहले आपको 1.3 टन में नहीं मिलता था। यहाँ पे फुट स्टेप दिए गए हैं, और ये इसका हैंड ब्रेक दिया गया है, और यहाँ पे आपको पैडल्स दिए गए हैं इसके। यहाँ पे लाइट बीम के एडजस्टेबल कर सकते हैं अप डाउन करने के लिए। यहाँ पे ऊपर छोटा बॉक्स मिलता है की वगैरह रखने के लिए। यहाँ इसकी की आप देख सकते हैं, सिंपल की मिलती है, जो कि आपको हर एक वेरिएंट में आपको की ऐसी मिलती है बोलेरो पिकअप के। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके इंटीरियर को, यहाँ पे 180 मीटर दिए गए हैं, और ये यहाँ पे नहीं दिया ड्राइवर साइड, ये IRVMs। इसका डैशबोर्ड आप देख सकते हैं, जैसे आपको 1.7 में मिलता है वैसे हर एक वेरिएंट में आपको यही मिलेगा BS6 में। इसके स्टीयरिंग व्हील्स को आप देख सकते हैं कि 1.7 जैसे आपको स्टीयरिंग व्हील्स मिलता है। ये इसका इस्टीमेट क्लस्टर, जो आपको 1.7 मिलता है वही आपको 1.3 में भी आपको वही मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिजिटल मीटर दिया गया है, छोटी सी स्क्रीन, और यहाँ पे आप स्पीडोमीटर और अदर वार्निंग्स यहाँ पे शो कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे लाइट के कंट्रोल्स दिए गए हैं, और इस तरफ वाइपर के कंट्रोल्स दिए गए हैं, और इस तरफ स्टीयरिंग व्हील्स, जो कि सॉफ्ट है, काफ़ी मुलायम है, और काफ़ी शानदार दिखता है ये। डैशबोर्ड पे आपको म्यूजिक सिस्टम वगैरह नहीं मिलता, आप लगवा सकते हैं। यहाँ पे हजार लाइट के बटन्स दिए गए हैं नीचे यहाँ पे, और ये 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, 5 स्पीड में मैनुअल ट्रांसमिशन इसमें आपको मिलता है। काफ़ी स्पीड है इस गाड़ी में, काफ़ी दम है। यहाँ पे आपको माइटिंग कुछ नई डिज़ाइन में मिलती है, जो कि काफ़ी शानदार है, काफ़ी बढ़िया है।
और इसमें आपको काफ़ी शानदार सीट्स मिलती है, सारे टूल किट सारे पार्ट्स इसमें आपको मिल जाते हैं। ये सिस्टम और एसी का ऑप्शन इसमें आपको नहीं मिलता, हालांकि आप लगवा सकते हैं, कंपनी का कहना है कि वो फिट करके दे सकते हैं। और ये इसकी बुक्स BS6 बोलेरो पिकअप के ये मैनुअल्स हैं, आप इसमें पढ़ सकते हैं, काफ़ी सारी जानकारी यहाँ पे इसमें दी गई है। ये टूल किट्स वगैरह इसमें दिए गए, फैट सेट वगैरह, यहाँ पे रिफ्लेक्टर भी दिए गए नीचे, ये हैंडल्स। तो दोस्तों, महिंद्रा बोलेरो पिकअप आपको कैसी लगी, कैसा लगा इसका बदलाव, हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लेटेस्ट वीडियो लेटेस्ट अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे नमस्कार।